की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। रसूका को वापस लो, वापस लो, वापस लो, रसूका को वापस लो, वापस लो, वापस। फैक्स नंबर आ गया। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। अरुण गांधी को रिहा करो, अरुण गांधी को रिहा करो, अरुण गांधी को रिहा करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, रिहा करो अरुण गांधी को, रिहा करो अरुण गांधी को, रिहा करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वरुण गांधी पर जो NSA लगाया गया उसके विरोध में बैठे हैं यहाँ पर, और इसका क्रिटिसाइज़ करते हैं हम इस पॉलिसी को कि जिस जो जुर्म किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई चोरी की है तो चोरी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इफ़ दे थिंक कि इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट हुई है तो इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट बुक करना चाहिए। 307, 324, NSA इसका बिल्कुल कड़ा विरोध है जी। किसी पर भी इस तरह से फिर लागू हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल राइवलरी के कारण किसी आदमी पर भी कोई भी दफ़ा लगा देना ये बिल्कुल गलत है। सरकार नहीं छोड़ती तो जैसा कि चंडीगढ़ शहर में एक पहल अभी अतुल जी ने की कि भूख हड़ताल इन्होंने 24 घंटे की रखी, और जो भी अतुल जी कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम जो भी कुछ करेंगे हम इनके साथ हैं पूरे तरीके से। रसूका लगाया गया है वरुण गांधी के ऊपर, इसका कड़े स्वभाव से इसका विरोध करते हैं कि ये जो इस तरह का कानून एक पॉलिटिकल आदमी के ऊपर लगाया गया है इसका कोई वजूद नहीं है। इसमें शर्म आनी चाहिए जिन नेताओं ने, आज मायावती वहाँ पे डिक्टेटरशिप कर रही है यूपी के अंदर, और यूपीए की सरकार जो सेंटर में है वो भी इसको बढ़ावा दे रही है। हम इसका बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और आगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए अगर वरुण गांधी को इस रसूका से रिहा नहीं किया जाता तो इसका विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा।